साल 2022 सभी के लिए कैसा होगा, किस्मत के सितारे क्या कहेंगे, बिजनेस, निवेश, नौकरी, सेवा आदि के क्षेत्रों में क्या होने वाला है, नए साल में संबंध कैसे होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति कैसी होगी, करियर कैसा होगा, पूरे साल भर राशियों पर ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा, हम बताएंगे आपको इस वर्ष हर राशि के साल भर का हाल। चलिए जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा ये साल और क्या है उपाय। 2022 में अगर करियर की बात करें तो वर्ष का शुरुआती समय आपके लिए व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रखेगी। व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। नए क्षेत्रों में निवेश करने से आपको इस वर्ष लाभ हो सकता है। व्यवसाय के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। इस वर्ष विदेश यात्रा का भी मौका हासिल हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से होने वाली धोखाधड़ी और परेशानियों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। नौकरी में पदोन्नति के योग की प्रबल संभावनाएं हैं। इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सबसे शुभ समय मध्य मई से अक्टूबर तक का होगा। वहीं नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी ऊर्जा को धीमा कर सकता है। इस दौरान आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। परिवार और रिश्तों के लिए साल की शुरुआत काफी शुभ रहने वाली है। बृहस्पति और शनि के चतुर्थ भाव पर संयुक्त दृष्टि है, इसलिए मेष जातकों के परिवार में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। साल के अंत तक घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं जो आपको खुश रख सकते हैं। मई से लेकर अगस्त तक की अवधि पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच आपको पिता की सेहत को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता इस वर्ष भर बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत में मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मेष जातकों का शैक्षणिक जीवन वर्ष की शुरुआत से यानी जनवरी से मार्च तक मिला जुला परिणाम देगा और फिर जुलाई से नवंबर तक छात्रों को जीवन में फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह पूरे वर्ष दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अप्रैल के प्रारंभ से आपको पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान पेट संबंधी बीमारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। आपको अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ भोजन, योग, ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी जाती है। यदि उचित देखभाल की जाए और स्वस्थ आहार का पालन किया जाए तो वर्ष के अंत तक बिना किसी लंबी बीमारी के सुखी और खुशहाल जीवन जीने में सफल होंगे। प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, तांबे के पात्र में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करते रहें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।